दोस्तों अगर किसी को मैसेज करना है आपको कोई अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश के अलावा आपका कीबोर्ड में इंग्लिश है, तो आप क्या करते हैं, गूगल में जाकर उसे ट्रांसलेट करते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन उतारते हैं जिससे आप अलग लैंग्वेज में, जैसे कि आपका बंगाली हो गया, हिंदी हुआ, मराठी हुआ, गुजराती हुआ, कुछ भी अलग लैंग्वेज में आप उसे मैसेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ट्रांसलेट करते हैं गूगल से या फिर कोई अलग सा एप्लीकेशन उतारते हैं। तो अगर आपको ये सब लैंग्वेज आपको एक कीबोर्ड में, आपका जो फोन में एंड्रॉइड कीबोर्ड है वो कीबोर्ड में सब लैंग्वेज आपको एक साथ मिल जाए तो कैसा होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करके आप अपना कीबोर्ड में सब लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो आपको जब जरूरत है कि आपको हिंदी में टाइप करना है, हिंदी में लिखना है, कुछ किसी को मैसेज करना है, तो जस्ट आपको भाषा, आपको लैंग्वेज उसमें चेंज कर ली, एक बटन दबा के आप उसको अपना भाषा को चेंज कर लीजिएगा। अब जब भी जो भी लैंग्वेज में करना है कर सकते हैं, और फिर आप रिटर्न इंग्लिश में भी कर सकते हैं, आप जो भी लैंग्वेज चाहते हैं कर सकते हैं इजीली। तो कौन सा ये सेटिंग है एंड्रॉइड का, इस बारे में हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके हम आपको स्क्रीन का वीडियो हम दिखाएंगे कैसे कैसे करना है, एकदम छोटा सा सेटिंग है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं उस सेटिंग को। दोस्तों ये हम अपना फोन का स्क्रीन पे आपको ले गया है, और यहाँ पर ही आप किसी को भी मैसेज करेंगे, या व्हाट्सएप पे हुआ या टेक्स्ट मैसेज हुआ, कहीं भी कोई भी मैसेज में मैसेज करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड ओपन होता है, कीबोर्ड जो ओपन होता है उसमें आपको जो अपना भाषा है उसे आपको लगाना है। जैसे कि आप इंग्लिश में आपका भाषा है उसे आप बंगाली करना चाहते हैं, हिंदी करना चाहते हैं, मराठी करना चाहते हैं, गुजराती करना चाहते हैं, तमिल करना चाहते हैं, आसामीज करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं दोस्तों आप उस भाषा को, या कोई फॉरेन भाषा, स्पेनिश हुआ, कोरियन हुआ, रशियन हुआ, जो भी लैंग्वेज भाषा को आप उसमें डालना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा आपको भाषा मिल जाएगा, आप उसको डाल सकते हैं। तो हम जैसे कि अपना मैसेज बॉक्स में जाते हैं, और यहाँ पर ये जब भी हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरा कीबोर्ड ओपन होके आता है, ये रहा मेरा कीबोर्ड। और कीबोर्ड में हम देखिए जब टाइप कर रहे हैं, ये इंग्लिश है, ठीक है, देखिए हम इंग्लिश में लिख रहे हैं मुझे जाना है, तो ये देखिए इंग्लिश में हिंदी वर्ड है पर टेक्स्ट जो है इंग्लिश है, तो इसे हम हिंदी में टोटल टाइप करना चाहते हैं, एकदम हिंदी में, प्योर हिंदी में। तो हमको पहले क्या करना है, कीबोर्ड में हमको हिंदी लैंग्वेज को डाल लेना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे देखिए बड़ा सा जो बटन दिखेगा कीबोर्ड में, उसे स्पेस बटन कहते हैं, अब इस पर क्लिक करके होल्ड करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना, इस पर हाथ से पकड़ के दाब के रखना कुछ देर, तो यहाँ पर आपको चेंज कीबोर्ड का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ही आपको दाब के रखेंगे तो यहाँ चेंज कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ही आपका देखिए इंग्लिश और बंगाली नीचे है, दो लैंग्वेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए नीचे लैंग्वेज सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, या ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन, या ऐड का ऑप्शन, अलग अलग फ़ोन में हो सकता है अलग नाम से हो, तो ऐड लैंग्वेज सेटिंग का अब जो बटन है इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ही क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही देख रहे हैं नीचे का तरफ, देखिए जो दो लैंग्वेज ऐड था यहाँ ऊपर में दिखा रहा है, मेरा ये दो लैंग्वेज है, तो ऐड कीबोर्ड पर हमको क्लिक करना है। अब हमको चाहिए हिंदी, तो यहाँ पर ही हिंदी लैंग्वेज देखिए फर्स्ट में ही हमको दिख रहा है हिंदी इंडिया, तो यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज है, देखिए हम आपको रनिंग दिखा रहे हैं, ऐसा बहुत सारा, भोजपुरी, गुजराती, तमिल, मराठी, आसामीज, फॉरेन लैंग्वेज हो, स्पेनिश वगैरह, रशियन, जो जितना भी जो लैंग्वेज है आप यहाँ सर्च बार में सर्च करके भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ हिंदी पर क्लिक करते हैं। अब हिंदी दोस्तों तीन चार टाइप का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है कि इंग्लिश टाइप करिएगा हिंदी में कन्वर्ट होगा, दूसरा है कि हिंदी का डायरेक्ट कीबोर्ड मिलेगा, ये देखिए ये वाला टिक कीजिएगा तो हिंदी का डायरेक्ट कीबोर्ड मिलेगा, मतलब हिंदी अ आ जैसे है वो उस हिसाब से आपको टाइप करना है। तो वो क्या होता है कीबोर्ड में बहुत कोई का एक एक लेटर खोज के नहीं मिलता है, तो यहाँ पर ही आपको क्या करना है कि आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसे टिक करना है, बाकी किसी को भी टिक नहीं करना, सबको अनटिक कर देना। यहाँ पर ही फर्स्ट वाले टिक कर टिक करेंगे तो आप इंग्लिश में ही टाइप करेंगे, जैसे कि हम पहले टाइप करके दिखाए थे मुझे जाना है, तो हम इंग्लिश में ही टाइप करेंगे वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे का डन के बटन पे क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना है, डन हो गया, यहाँ देखिए ऐड हो गया, तीन लैंग्वेज हो गया। अब बैक कर दे रहे हैं, सिंपल सा अब कीबोर्ड आया, अब इसे चेंज कैसे करना है, हमको लिखना है हिंदी में, तो यहाँ पर इंग्लिश जो लिखा हुआ है स्पेस का जो बटन, इसको हमको दाब के पकड़ के रखना है, और नीचे जो लैंग्वेज आ रहा है हिंदी, हमको हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है, तो हिंदी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ हम टाइप करते हैं मुझे देखिए जाना है, देखिए ऐसे करके हिंदी में आ जाएगा, हिंदी में टाइप
कर रहे हैं। देखिए आपका सामने हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा हिंदी में टाइप हो रहा है। तो ऐसे करके आप कोई भी अलग भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ये तो हम आपको हिंदी एग्जांपल दिए, आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव था दोस्तों, बहुत काम करता है। बहुत कोई को ये ज़रूरत होता है तो एप्लीकेशन खोजते हैं, गूगल में ट्रांसलेट करते हैं, तो ज़रूरत नहीं, गूगल ऑलरेडी हम लोग को फ़ोन में ये सेटिंग डाल के रखा है, तो हम लोग को जस्ट देखना है, खोजना है। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहिएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।